हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, यानी छोले एंटिक्की, मटर के छोले एंटिक्की, जो आपको बाजार में ठेला पर मिलता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो 10 दिन के नवरात्रा के व्रत के बाद सभी का मन करता है कुछ चटपटा खाने का, तो इसलिए आज मैं कुछ चटपटा रेसिपी लाई हूँ छोले एंटिक्की। तो चलिए देखते हैं किस तरह से छोले एंटिक्की तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें छोले बनाने के लिए छोले को भिगोना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कप मटर भीगने के लिए रख दिया था। ये मटर बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाता है, तो आप इसको ड्राई मटर को खरीद कर आपको भिगो देना है। 4 से 5 घंटे पहले आपको भिगो देना है। तो मैंने नाइट में भिगो दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि भीग कर यह तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसे उबलने के लिए चढ़ाना है। तो मैंने एक कुकर ले लिया है, कुकर में डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 गिलास पानी डाल दिया है, और इसे उबलने के लिए चढ़ा दें। आपको पानी मटर से 3 गुना डालना है, क्योंकि उबलने में पानी सूख जाता है, तो हमें थोड़ा ज्यादा पानी डालना है ताकि मटर इसमें अच्छी तरह से उबल जाए और आखिर में थोड़ा पानी बच भी जाए। तो इस हिसाब से आपको पानी डालना है और डालकर गैस ऑन कर इसे कुकर को उबलने के लिए चढ़ा देना है। इसका लीड बंद कर देना है। 3 व्हिसिल आने तक हम इंतजार करेंगे और इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएं। जब 3 सीटी आ जाए तब आपको गैस ऑफ कर देना है और अपने आप इसके लिड खुलने का इंतजार करना है। तो छोले को उबलते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है और 3 व्हिसिल आ चुका है। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब हम इसे इसी तरह से रख देंगे। जब गैस इसका लीक होगा तब हम इसका लिड खोलकर देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका गैस लीक हो चुका है। तो अब मैं इसका लीड हटाकर देखती हूँ और देखती हूँ कि छोले उबल चुका है। तो अब हम इसे एक दूसरे पैन में इसे निकाल लेंगे और इसी कुकर में मुझे छोले को तैयार करना है। 2-3 बर्तन क्यों गंदा करें, इसी कुकर में तड़का डाल देंगे। तो छोले को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, कुकर को फिर से वॉश करके गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और आप देख सकते हैं कि जैसे कुकर गर्म हो जाता है तो हमें डालना इसमें थोड़ा सा तेल, यानी कि सरसों तेल डालें, चाहे रिफाइंड तेल डालें, चाहे देसी घी डालें। तो आज मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए ये स्पेशल है। यानी कि आप बिना प्याज लहसुन का भी छोले बहुत ही अच्छा बनता है। तो बिना प्याज लहसुन का छोले हमें किस तरह से बनाना है, ये चीज आपको इस वीडियो में सीखना है। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच देगी मिर्च मसाला, 2 से 3 तेज पत्ते ले लिया है, 1/4 चम्मच जीरा लिया है, और इसके साथ हम थोड़ा सा हींग भी इस्तेमाल करेंगे। 1 इंच अदरक ग्रेट करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम तेल गर्म होने के लिए डाल देंगे। तो मैंने इसमें 1/4 कप सरसों का तेल डाल दिया है और जैसे ही तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा एंड तेज पत्ते। इन दोनों को पहले हम चटकने देंगे। फ्रेंड्स, आज के इस छोले में मैं कोई हॉट स्पाइसेस यानी कि साबुत गर्म मसाले नहीं डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल देसी तरीका से बना रही हूँ, क्योंकि इसका देसी स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो जब जीरा और तेज पत्ते चटक जाता है तब हमें डालना है इसमें हींग। तो 2 पिंच हम इसमें हींग डालेंगे। तेल बहुत गरम होता है, हींग डालते ही पक जाता है, इसका बढ़िया स्मेल आने लगेगा। और ध्यान रखें कि हींग को हल्का सा जलने दें। हींग जब जलता है तभी इसका स्मेल फैलता है, तो अच्छा स्मेल आएगा। तब आपको डाल देना है इसमें अदरक, ग्रेटेड अदरक डाल देना है और अदरक डालकर मिक्स कर देना है। इसके बाद आपको हल्दी पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालकर भी मिक्स कर देना है। इसके बाद धनिया और लाल मिर्च दोनों एक साथ डाल देना है, डालकर मिक्स कर देना है। और इस वक्त जो है कुकर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी कि कुकर बहुत हीट है, तो इसमें मसाला डालते ही जलने लगता है। तो मसाला डालने के बाद हम फटाफट मिलाएंगे और 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसका हीट थोड़ा कम हो जाए, इसमें मसाला जलने ना पाए। और इस तरह से हम मसाला को अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसमें कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। तेल या बर्तन जब बहुत ज्यादा गर्म होता है उस वक्त हम मसाले डालते हैं, तो उसमें मसाले अगर जल जाते हैं तो न सब्जी में कलर बन पाता है और न स्वाद बन पाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पानी डालना जरूरी रहता है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और मसाला जलने न पाए।
तो लिड हटा कर मैंने मसाला को थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, भून दिया है, क्योंकि मसाला तो डालते डालते ही भून चुका था। धनिया मिर्च को भूनते टाइम नहीं लगता है। और अब हम डाल देंगे इसमें छोले, यानी बॉइल्ड छोले जो मैंने साइड में रखी हुई है, छोले छान कर इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसी तरह से हम भुनेंगे। भूनते हुए जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा तब बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल देंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और डालेंगे, क्योंकि छोले में मैंने थोड़ा कम ही नमक दिया था। और अभी जो हमने मसाले ऐड किया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे। डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला से फ्लेवर अच्छा आएगा। मैंने होल हॉट स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आएगा। गरम मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और आप देख सकते हैं कि पानी उबलने लगा, यानी कि छोले उबलने लगा है। फिर से इसका लिड बंद कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपका छोले बहुत गल चुका है, यानी कि पहले से गल चुका है, तो अब आपको लिड लगाने की जरूरत नहीं है। बिना लेट का ही इसे उबाल लें, धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकने दें और गैस ऑफ कर दें। बट मेरा छोले बहुत ज्यादा गला हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं फिर से इसका लेट बंद कर रही हूँ और लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने दूंगी और इसके बाद मैं इसका गैस ऑफ करूंगी। जब तक छोले पककर तैयार होता है, इस बीच मैं टिक्की की तैयारी कर लेती हूँ, यानी कि टिक्की की मटेरियल तैयार कर लेती हूँ। टिक्की मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ, 4 से 5 टिक्की बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं है। तो मैंने छोटे साइज का 4 आलू ले लिया है, इसके साथ 2 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है, जो नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लिया है मैंने 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच आमचून पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी और 1/4 इंच मैंने अदरक ग्रेट कर लिया है और 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले हमें पोटैटो को मैश करना है, तो सबसे पहले हम इसे मैश करेंगे और इसके बाद जो भी चीजें मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है वो सभी चीजें मुझे इसमें ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्रेटर की सहायता से पोटैटो को ग्रेट कर लिया है और इसमें इकट्ठा किए हुए सभी मसाले डाल दिया है। नमक, हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, यानी जितना लगेगा, मैंने लगभग 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया हुआ है, तो ये सभी कॉर्न स्टार्च लग जाएगा। तो मैं पहले 2 चम्मच डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैं देखूंगी जितना मुझे जरूरत है उतना ही कॉर्न स्टार्च हम ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हम इसे तलेंगे तो यह टूटने न पाए। तो सभी चीजों को मिक्स करने के बाद अब मैं डाल दूं नमक। नमक डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैंने कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया है, क्योंकि मुझे कम लगा है, तो फिर से मैंने डाल दिया। डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इन मिक्सचर को मुझे 4 से 5 भाग में डिवाइड कर देना है, यानी कि जिस साइज का आपको टिक्का बनाना है उसी साइज का हम इसका पोर्शन निकाल देंगे। तो मैंने 4 से 5 इसके पोर्शन निकाल लिए हैं और अब मैं इसे राउंड करके रखती जा रही हूँ। हैंड में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और इसके बाद इसे राउंड करेंगे तो बहुत ही आसानी से राउंड हो जाएगा, यानी कि आपके हैंड में चिपकेगा नहीं। और राउंड करके हम रखते जाएंगे और अब हमें इसे सेक कर तैयार करना है। सेकने के लिए हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालकर अच्छी तरह से फैलाएंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें आलू के टिक्के एक एक करके सभी को फैला देंगे। फैलाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे, दोनों साइड से फ्लिप करते हुए अच्छी तरह से सेक कर तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं कि सेकते हुए कितना सुंदर लग रहा है। मन कर रहा है टिक्की फटाफट तैयार हो और छोले के साथ सर्व करेंगे, एंजॉय करना शुरू कर देंगे। बट नो, थोड़ा इंतजार और करेंगे और टिक्की को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो जब आपको अंदर से हल्का सा गोल्डन दिखने लगे, देखने से आपको पता चल जाएगा कि अंदर से सिक चुका है, तब आपको इसे फ्लिप कर देना है और दोनों साइड सुंदर से आपको सेकना है, यानी कि थोड़ा सा टाइम देकर सेकना है क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया है, तो इसे पकने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। लास्ट में धीमी आंच पर 1 मिनट तक हम इसे सेकेंगे और तब आप देखेंगे कि इसके ऊपर बढ़िया से एक कोटिंग बन जाता है। तब इस तरह से जब आपको दिखने लगे तब आपको गैस ऑफ करना है और इसे निकाल लेना है। साइड आप देख सकते हैं कि कुकर का गैस भी लीक हो चुका है। कुकर का मैं ढक्कन खोल रही हूँ और देखने से वाओ कितना सुंदर छोले लग रहा है। छोले का कलर इतना अच्छा निखर कर आया है, मतलब बाजार से ज्यादा बढ़िया छोले बना है। बाजार में इतना बढ़िया कहाँ बनता है, घर की चीजें घर की ही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है और जितना अच्छा कलर है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। इसमें मैंने कोई ना टमाटर ऐड किया है और ना ही दही ऐड किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। फटाफट खाने के लिए मेरे जीभ से पानी टपक रहा है और मेरे बच्चे भी छोले टिक्की खाने के लिए तैयार हैं, तो मैं जल्दी से सर्व कर लेती हूँ। छोले निकालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टिक्की, ऊपर से फिर हम थोड़ा छोले डालेंगे और इसके साथ गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर दीजिए और अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा प्याज डालिए, थोड़ा सा चॉप्ड टोमेटो डालिए, ग्रीन चिली डालिए और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा आलू भुजिया लेंगे जो बाजार में मिलता है, 5-10 रुपए का पाउच मिल जाता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पाउच मंगा लीजिए और थोड़ा सा ऊपर से हम नमकीन डालेंगे और थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे, लाल चटनी डालेंगे। लाल चटनी मैं हरी चटनी एंड लाल चटनी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप थोड़ा सा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दही में थोड़ा चीनी मिक्स करके और इसे आप डालेंगे तो हल्का से आपको खट्टा मीठा लगेगा। तो ये डाल रही हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे छोले एंटी की खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप चाहे तो ऊपर से फ्लेवर के लिए लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं अभी लेमन जूस ऐड नहीं करूंगी। मेरे घर में जिनको पसंद आएगा उनको दूंगी, मेरे घर में सभी को लेमन जूस ऐड करके पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हल्का सा लेमन का फ्लेवर भी आएगा और खट्टापन भी आएगा। तो इसी तरह से छोले एंटी की आप अपने घर पर तैयार कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और अगर रेसिपी बहुत पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे रेसिपीज का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।